तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन में। तो आज हम बात करेंगे दो सबसे बड़े फिल्मों के बारे में जिसमें अक्षय कुमार की फिल्म बेलबॉटम और अजय देवगन की फिल्म भूत शामिल है, और आपको बताएंगे इन दोनों फिल्मों का आज का ओटीटी कलेक्शन और टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे कौन सी फिल्म ने मारी आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बाजी और कौन बना आज का ओटीटी टीम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्षय कुमार की फिल्म बेलबॉटम के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं, इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को अक्षय कुमार के साथ साथ बानी कपूर भी दिखाई दिए थे, और इस फिल्म का बजट 70 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। इस फिल्म को पब्लिक ने काफी ज्यादा पसंद किया और 3.5 स्टार रेटिंग दिया। उसके बावजूद भी इस फिल्म को काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला और पहले दिन में बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 75 लाख रुपए की ओपनिंग की, और इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 18 करोड़ 46 लाख रुपए की अर्निंग की। और रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म अपने 10वें दिन यानी कि आज 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अर्निंग कर रही है, जिससे इस फिल्म का 10 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 22 करोड़ 26 लाख पे हो जाएगा, और ये फिल्म अपने 50% बजट को भी रिकवर नहीं कर पाएगी, जिस वजह से यह फिल्म अभी फ्लॉप ही कहलाएगी। और अगर इस फिल्म से बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म भूस की कंपेयर करें तो भूस फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था, और इस फिल्म के लीड रोल में आप लोगों को अजय देवगन के साथ साथ सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, नोरा फतेही और शरद कलकर भी दिखाई दिए थे। और इस फिल्म को पब्लिक ने काफी ज्यादा पसंद किया और अजय देवगन की फैंस ने भी काफी ज्यादा पसंद किया, जिस वजह से इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 26 करोड़ 91 लाख रुपए की ओपनिंग की। और इस फिल्म की पहले हफ्ते की कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 143 करोड़ 38 लाख रुपए की अर्निंग की, और रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म अपने 16वां दिन यानी कि आज 6 करोड़ रुपए की अर्निंग कर रही है, जिससे इस फिल्म का 16 दिनों का टोटल ओटीटी कलेक्शन 212 करोड़ 77 लाख रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस और ओटीटी कलेक्शन के मामले में अजय देवगन की फिल्म भूस का कलेक्शन रहेगा ज्यादा, और अजय देवगन मार लेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बाजी और बन जाएंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा सुपरस्टार। और गाइस, आपने अभी तक स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म की ट्रेलर की रिव्यू नहीं देखी है तो लेफ्ट वाले वीडियो को एक बार जरूर देखें, और ऐसे वीडियो हमेशा पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।